जी हाँ, हम बात करेंगे स्टारलिंक के बारे में और यह भारतीय टेलीकॉम कंपनियां जैसे जियो और एयरटेल पर क्या प्रभाव डाल सकता है, क्या यह इन कंपनियों के लिए चुनौती बनकर उभरेगा या फिर ये एक नया अवसर होगा। चलिए बिना समय गवाए सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टारलिंक है क्या। स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा है जिसे स्पेसएक्स द्वारा विकसित किया गया है। यह सेवा पृथ्वी के कक्षा में उपग्रहों के नेटवर्क के जरिए इंटरनेट उपलब्ध कराती है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया के दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराना, जहां पारंपरिक ब्रॉडबैंड कनेक्शन की सुविधा नहीं पहुंच पाती। आप सोच रहे होंगे यह जियो और एयरटेल जैसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटरों के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। जब हम भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो दो नाम सबसे ज्यादा सामने, जियो और एयरटेल। ये दोनों कंपनियां भारत के प्रमुख इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और इनका नेटवर्क देश भर में फैला हुआ है। जियो ने अपनी 4G सेवा के साथ भारतीय इंटरनेट मार्केट में क्रांति ला दी थी। वहीं एयरटेल भी 4G के बाद 5G नेटवर्क की ओर बढ़ रही है और उसके पास भी भारत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति है। इन दोनों कंपनियों के पास लाखों ग्राहक हैं और वे लगातार अपने नेटवर्क को अपग्रेड करने में लगे हुए हैं। लेकिन क्या ये कंपनियां स्टारलिंक के सामने टिक पाएंगी? क्या सैटेलाइट इंटरनेट इनकी सशक्त नेटवर्किंग को चुनौती दे सकता है? आइए इसे समझते हैं। जैसे कि जियो और एयरटेल आमतौर पर फाइबर ऑप्टिक, मोबाइल टॉवर और अन्य भूमिगत या वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। इनकी पहुंच मुख्य रूप से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों तक होती है, लेकिन बहुत दूर दराज और पहाड़ी क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या बनी रहती है। स्टारलिंक का नेटवर्क उपग्रहों के माध्यम से चलता है, जिसका मतलब है कि इसे कहीं भी सेटअप किया जा सकता है, चाहे वह सुदूर गांव हो, पहाड़ी इलाका हो या फिर समुद्र के बीच। हर जगह इंटरनेट उपलब्ध हो सकता है। स्पीड और कनेक्टिविटी। पारंपरिक नेटवर्क पर आपको इंटरनेट की स्पीड और कनेक्टिविटी में कई बार दिक्कतें आ सकती हैं, खासकर जब ट्रैफिक बढ़ता है। वहीं स्टारलिंक अपने उपग्रहों के जरिए हर जगह समान कनेक्टिविटी और स्पीड देने का वादा करता है। हालांकि स्टारलिंक की स्पीड अभी कुछ देशों में 100 मेगाबिट प्रति सेकंड से लेकर 200 मेगाबिट प्रति सेकंड तक हो सकती है, लेकिन भारत में इसकी उपलब्धता और गति अभी तक कुछ सीमित है। कास्टिंग और लागत। स्टारलिंक का सेटअप काफी महंगा हो सकता है। उपग्रह डिश की कीमत और मासिक सब्सक्रिप्शन चार्ज, जो अभी लगभग 1000 से 1500 रुपए के आसपास है, यह काफी महंगा हो सकता है। वहीं जियो और एयरटेल की 4G और 5G सेवाएं अपेक्षाकृत सस्ती और व्यापक रूप से उपलब्ध हैं। अब हम बात करते हैं स्टारलिंक के भारत में आने के प्रभाव की। भारत एक विकासशील देश है और यहाँ बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी की दिक्कतें हैं। स्टारलिंक यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत में अभी भी कई ऐसे इलाकों हैं जहाँ ब्रॉडबैंड और मोबाइल इंटरनेट की सेवा नहीं पहुंच पाती। स्टारलिंक अपने उपग्रह नेटवर्क के साथ इन इलाकों में कनेक्टिविटी की समस्या को हल कर सकता है। अगर स्टारलिंक भारत में विस्तार करता है तो यह ग्रामीण भारत में इंटरनेट क्रांति ला सकता है। शहरी इलाकों में जहाँ जियो और एयरटेल की 4G और 5G नेटवर्क्स का विस्तार हो चुका है, वहां पर स्टारलिंक को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। इसके बावजूद अगर स्टारलिंक अपनी स्पीड और विश्वसनीयता में सुधार करता है तो वह भविष्य में एक प्रीमियम सेवा के तौर पर स्थापित हो सकता है। स्टारलिंक के आने से जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों को अपनी सर्विसेज और कीमतों में बदलाव करना पड़ सकता है। यदि स्टारलिंक की सेवाएं तेज, सस्ती और सर्वव्यापी हो जाती हैं, तो यह पारंपरिक ब्रॉडबैंड और मोबाइल नेटवर्क कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। अब सवाल यह उठता है कि जियो और एयरटेल स्टारलिंक के आने पर क्या कदम उठाएंगे। जियो और एयरटेल दोनों ने 5G नेटवर्क को लॉन्च करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। ये दोनों कंपनियां भी उपग्रह इंटरनेट की दिशा में सोच रही हैं। हाल ही में एयरटेल ने अपनी खुद की उपग्रह इंटरनेट सेवा की शुरुआत करने के संकेत दिए थे। जियो भी अपने नेटवर्क में उपग्रह आधारित कनेक्टिविटी पर काम कर सकता है। जियो और एयरटेल को अपने पैकेजों और कीमतों में सुधार करने की आवश्यकता हो सकती है। यदि स्टारलिंक का नेटवर्क अच्छी स्पीड और बेहतर सेवाएं प्रदान करता है, तो जियो और एयरटेल को अपने प्लान्स में और अधिक आकर्षक प्रस्ताव देने होंगे। जियो और एयरटेल को अपनी ग्राहक सेवा को सुधारने की भी आवश्यकता होगी। जैसे ही उपग्रह आधारित इंटरनेट विकल्प अधिक लोकप्रिय होगा, ग्राहक सेवा और सपोर्ट दोनों का महत्व बढ़ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं स्टारलिंक के भविष्य के बारे में। क्या यह भारत में सफल होगा? इसका उत्तर पूरी तरह से इसके विस्तार पर निर्भर करेगा।
अगर स्टारलिंक भारत के ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में अपनी पकड़ बना सकता है और अपनी सेवाओं को बेहतर बना सकता है तो यह निश्चित रूप से भारत में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि स्टारलिंक के आने से भारतीय टेलीकॉम कंपनियों जियो और एयरटेल पर क्या असर पड़ सकता है। यह एक रोमांचक समय है जहां हम देख सकते हैं कि कैसे नई तकनीकें और सेवाएं टेलीकॉम इंडस्ट्री को बदलने में मदद कर सकती हैं। आपको क्या लगता है, क्या स्टारलिंक भारतीय बाजार में अपनी जगह बना पाएगा? कृपया कमेंट्स में अपनी राय दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।